ये देखिए हमारे पास जियो फ़ोन है। आज हम आपको इसमें व्हाट्सएप बताएंगे। व्हाट्सएप का फीचर आ चुका है इसके अंदर। इसके लिए सबसे पहले आपको इसका डेटा ऑन करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर सेटिंग्स में जाके डेटा ऑन हो गया। अब हम जाएंगे जियो स्टोर में। देख रहे हैं आप जो रेड से कलर का है ये जियो स्टोर है, इसे आप देख सकते हैं। इसे हम ओपन करेंगे जियो स्टोर। देखिए लोड हो रहा है, इसमें सारी ऐप्स आएंगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए लोड हो रहा है। देखिए ये जो जो ऐप्स हैं इसमें आप सारी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल तो हम आपको व्हाट्सएप डाउनलोड करके दिखाएंगे। देखिए और देखिए सारी ऐप्स हैं इसके अंदर। इतनी सारी ऐप आप सारी कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप ही आ चुका है इसके अंदर। अब हम इसे इंस्टॉल ओके का बटन दबा के अब ये इंस्टॉल पर बटन दबाएंगे। अब देखिए इंस्टॉल हो रहा है। ये आपको जो फीचर आया है देखिए डाउनलोड फिनिश हो गई। अभी से हम ओपन करेंगे। ये जो फीचर है आपका जो है 11 सितंबर को आया है। अब ओपन करते हैं उसे। देखिए व्हाट्सएप तो ये देखिए आप ये किसी मोबाइल में आ रहा है ऑप्शन कि अपडेट योर डिवाइस फॉर लेटेस्ट सेटिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये तब तक नहीं चलेगा जब क्या आपके उसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ना हो रहे। वैसे आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया है। देखिए ये व्हाट्सएप देख सकते हैं आप, पर ये जो है जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये अभी खुल नहीं रहा है क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सेटिंग्स में जाएंगे और ये देखिए ये सॉफ्टवेयर अपडेट ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे। देखिए ये देखिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। अब हम इसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। देखिए ये देखिए सॉफ्टवेयर अभी ये इंस्टॉल होएगा इसके अंदर। अभी हम देखिए ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में बहुत टाइम लगेगा तो आपको बता देंगे। जैसे ही अपडेट हो जाएगा फ़ोन आपका रिस्टार्ट होएगा, फिर उसके बाद आप जो है व्हाट्सएप आराम से यूज़ कर सकते हैं जियो फ़ोन में। तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, और अन्य वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।